आपने मुझे 3-4 रीजनल फिल्म्स में देखा है, तमिल फिल्म में, तेलुगु फिल्म में, और अभी मेरी एक हिंदी फिल्म भ्रमरक्त आने वाली है, और हाल ही में मैंने 2 कन्नड़ मूवी साइन की है, मैं उनका भी जल्दी ऑन फ्लोर जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी जो भी मेरे इस साल में काफ़ी अच्छा साल गुजरा है अभी तक, क्योंकि जितने भी मेरे म्यूज़िक एल्बम आए काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसिंग गए, काफ़ी हिट गए, और मेरा सोशल मीडिया आप लोगों की वजह से आज कहाँ पहुँच गया है, आप लोगों के प्यार की वजह से। थैंक यू सो मच। मैं आपकी अपनी समायरा संधू, गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं आपकी अपनी समायरा संधू आज आई हूँ इंडियाज़ प्राइड आइकॉनिक अवार्ड्स पे, और मैं सौरभ शर्मा जी का थैंक यू सो मच थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर हैविंग मी हेयर एट सच ब्यूटिफुल इवनिंग। सौरभ एंटरटेनमेंट एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू युवराज एंटरटेनमेंट एक माध्यम बनने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छा लगा यहाँ की परफॉर्मेंसेस देख के, फैशन शो देख के, कितना टैलेंट है हमारी कंट्री में, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी इवेंट का, फंक्शन का हिस्सा बनती हूँ, एंड आई हैड अ ब्यूटिफुल इवनिंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे भी एक अवार्ड मिला है यहाँ पे, अवार्ड, मैं अवार्ड दे रही थी और अचानक से नाम अनाउंस होता है कि मेरा भी एक अवार्ड है, एंड इट फेल्ट सच अ स्वीट जेस्चर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समायरा। इवेंट बहुत अच्छा रहा आज का, और वाकई में मैंने जो मेहनत करी है ओनली फॉर 2 मंथ, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, आज वो सक्सेस हो गया वो इवेंट। काफ़ी बिल्डर्स, डेवलपर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उस कैटेगरी में सबको मैंने अवार्ड दिया है और सबको मैंने सम्मानित किया है। आई होप से किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट निकला है। काफ़ी मेरी गैदरिंग काफ़ी आई थी, दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे, सूरत से भी कुछ लोग आए थे, और अभी मेरा जो नेक्स्ट इवेंट है, मैं नीतू को, ये अपना नीलम कोठारी के साथ कर रहा हूँ, नीलम कोठारी मेरी गेस्ट हैं नेक्स्ट टाइम, और अपना 26 को मैं कर रहा हूँ ग्रीन विलेज में। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू। और आज मैं काफ़ी लेट आई हूँ, ये आपका इवेंट ही लेट में शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे नेक्स्ट इवेंट में भी है नीलम कोठारी के साथ, जो मैं 26 तारीख को कर रहा हूँ, और अभी भी है बाकी। बिल्कुल है, मैं और सौरभ काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, आज इस इवेंट में और हम लोग पहली बार मिल रहे एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल जाके इवेंट इन्जॉय करती हूँ, फिर बताती हूँ कि सौरभ का इवेंट कैसा था मेरे लिए, और लेकिन फिर भी अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है सौरभ, रियली थैंक यू सो मच, किसी बहाने मिलना हुआ। इनका शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारी हमेशा व्हाट्सअप कॉल पे बात होती रही है, पर लेकिन आज मेरा सौभाग्य खुला, चांद कहीं से निकला आई डोंट नो, पर रियली थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फिलहाल, तो अभी एमएक्स पे आ रहा है, अमेजोन पे आ रहा है, तो और बाकी तो जो चल रहा है Z5 वगैरह का चल रहा है, इवन इसके अलावा आई एम डूइंग तारक मेहता शो, वो कंटिन्यू चल रहा है, बाकी लेट्स सी होप फॉर द गुड प्रोजेक्ट्स, थैंक यू। आज का इवेंट काफ़ी अच्छा लगा अटेंड करते हुए, और थैंक्स टू राज काय सर कि हमें यहाँ बुला के हमारा स्वागत किया है, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you. Award मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है उनको, डांस में ही मिला है। थैंक यू। हमारे मित्र राज काय जी, इनकी वजह से आज हमें यहाँ पे अवार्ड मिला है, और शैलेश पटेल जी, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें अवार्ड दिया, और ये अवार्ड हमें एक्टर के तौर पे दिया हुआ है, शुक्रगुजार हम इस इवेंट का जिन्होंने हमें अवार्ड देके सम्मानित किया। जय भीम एंड नमस्कार टू एवरीवन, मैं डॉक्टर महावीर डी सोनोने, आज मुझे ये अवार्ड मिला है, ये डॉक्टर बी आर जी अम्बेडकर साहब
क्या उसे पैदा लेके आज मैं वैसे दीपक चतुर्वेदी सर बहुत सालों से ये जो फंक्शन इवेंट कर रहे हैं और आज का इवेंट है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सारे टीवी स्टार यहाँ आए हैं और अभी तो इवेंट हो ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत अच्छा है। थैंक यू। समझ से होता जो काम करता हूँ और आज मुझे 2024 का सोशल वर्क का अवार्ड मिला है, मुझे बहुत आज खुशी हो रही है और जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, जिन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच जी दीपक जी एनिमा इवेंट्स जिन्होंने हमें यहाँ पर शो में इन्वाइट किया है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरी टीम भी मेरे साथ आई हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेकअप आर्टिस्ट का। थैंक यू सो मच आगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दीपक जी और सौरभ जी और हमारे शैलेश जी ने हमें इन्वाइट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये अवार्ड मिला है उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और जैसे कभी भी करते हैं तो वो हम लोग को ज़रूर इन्वाइट करते हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं भी ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं भी अवार्ड शो करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने भारतीय अमृत महोत्सव किया था मुक्ति में और अभी नेक्स्ट मेरा जो है अवार्ड शो तो मैं सितंबर में करूँगी यूथ आइकन इंडिया अवार्ड, तो शायद आप लोग आओगे हमारे अवार्ड शो में। और अभी मेरा रिसेंटली एक एल्बम लॉन्च हुआ था गॉडफादर क्लब में बिफोर यू चैनल पर, बस आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहिए हमारे ऊपर बस। थैंक्स, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा मीडिया को कि आपके बिना जो है सारी चीज़ें अधूरा है। और आज जो है दीपक जी को थैंक्स बोलूँगा, सौरभ जी को थैंक्स बोलूँगा, शैली जी को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किए थे और अवार्ड से सम्मानित किए उसके लिए। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इसका जो सो इसी तरह से हर साल ये करे और तरक्की करते रहे। थैंक यू। लेकिन आप लोग के प्यार के आशीर्वाद से आज ये शो मेरा, सौरभ सर का, दीपक भाई, राज काले सर ऑल्सो, अजर भाई ने ताराचंद जी और ऑल्सो हमारी जूरी जैसे मेरी बहन है मोनिका सोनी है, फिर पल्लवी है ना, तो ये सब की वजह आज शो हमारा इंटर। देखो टीम टीम होती ना तभी जीता जाता है। क्रिकेट मैच कब जीता जाता है? क्रिकेट मैच कब जीता? जब 11 लोग रहे थे तो जूरी में ना भले 8-9 लोग थे लेकिन उन्होंने जीता दिया। तो इसी तरह प्यार और आशीर्वाद दो जिससे हम लोग आगे बढ़े, अच्छा अच्छा शो करें और हमारा नाम होए। बाकी ये मेरी बहन जूरी में थी, इसको पूछो इसका एक्सपीरियंस। ये मेरी बहन भी है, मेरी प्यारी बहन। टेल मी। मुझे शैलेश भाई के साथ बहुत दिन हो गया काम किए, उनको मिल गए एज ए जैसे ये मैंने इनको भाई बोला, सच में मैं इनको भाई मानती हूँ, तो इनके वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा है, मीन्स वाइब्स बहुत ही अच्छे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा आना चाहूँगी। एंड इनके साथ मैं जितना भी काम कर चुकी हूँ बहुत अच्छी है। Hello, myself Preeti. I'm model and actress. I'm very much thankful to Saurabh ji, Shailesh ji and Deepak ji. They invited me here. So I got it. Thank you so much. चलो हाँ नया प्रोग्राम सूर्या भाई दिल की बात कर ली तुमने। 26 मई जो मेरा अवार्ड हो रहा है नाम से नीलम कोठारी होटल में ग्रीन विलेज, हाँ ग्रीन विलेज मलाड विश में रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप कॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, आना नहीं आए तो खाना खा के जाए। बस परफेक्ट। ये मेरी डार्लिंग है, मेरी डार्लिंग, मेरी जान है ये जान। हाँ बेटा शुक्रिया करना चाहना चाहूँगी, वेरी वेरी मच दीपक जी एंड एवरीवन फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। फ्रेंड में मिलती हूँ और वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा था जो हमारे बीच में फिलर्स थे, मुझे तो वो भी इतने अच्छे लगे कि बच्चे आज ओल्ड सॉन्ग्स को भी इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत अल्टीमेट ये सॉन्ग था और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से प्रोग्राम्स होनी चाहिए ताकि जो लेटेस्ट आती है, गर्ल्स आती है, वुमन्स आती है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और यह सौरभ एंटरटेनमेंट, रफ्तार न्यूज़ जो है हमारी और दीपक सर का जो एनिग्मा कंपनी है, ये हम कितने समय से देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर लोग काम करके लेडीज़ को अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जा रहे हो क्या? जा रहे हो? चलो पल्लवी। अरे यार मैं बोलना
कहना चाहूँगी यहाँ पर मुझे एज ए जूरी इन्वाइट किया गया था, तो मैं इनको सौरभ जी को, दीपक सर को, शैलेश जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज ए जूरी, तो ये शो बहुत अच्छा रहा और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। बहुत डिफ़िकल्ट था इस बार एक्चुअली, क्योंकि जिस सेलिब्रिटी को हमने इनवाइट किया था वो नहीं आई, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए जिसकी वजह से वो हमारे बीच में नहीं है। बट लिटरली हमें मालूम नहीं था कि इतना अच्छा शो हो सकता है, इसके बावजूद भी हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। और मेरे ख्याल से लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ के रुकने से कोई चीज़ रुकती नहीं है, आई थिंक रुकने के बाद जो स्टार्टअप होता है वही मेन स्टार्टअप होता है लाइफ के अंदर। और मुझे बहुत खुशी है कि सौरभ एंटरटेनमेंट, आई एम MD ऑफ सौरभ एंटरटेनमेंट, और मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि लाइफ के अंदर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स रोक सकते हैं, बिकॉज़ ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म था। आज मैंने पहली बार लाइफ में अपने आप को स्टार्टअप किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्टार्टअप मेरा बहुत सक्सेस भी रहा और बहुत अच्छा रहा। और जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सब के योगदान से मुंबई रफ्तार, एनिग्मा एंटरटेनमेंट, जो हम लोग 2 महीने से मेहनत कर रहे थे आज वो सफल हुई है और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं सौरभ जी से भी स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी इस चीज़ के लिए कि लाइफ के अंदर, हाँ वो थोड़े नर्वस हो गए हैं क्योंकि कुछ ऐसी बाइट्स हुई, कुछ ऐसी चीज़ें आई हमारे लिए बीच में, बट वो बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। थोड़ा घबराए थे मैं कह सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि वो घबराएंगे, मैं नहीं घबराने दूँगी क्योंकि मेरा सपोर्ट हमेशा उनके साथ है। और मैं लाइफ में हमेशा चाहूँगी कि एनिग्मा एंटरटेनमेंट, सौरभ एंटरटेनमेंट हमेशा सक्सेसफुल रहें, मुंबई रफ्तार का योगदान हमारे साथ रहे, हम लाइफ के अंदर ऐसे सक्सेस पाते रहें, अपकमिंग वर्क में भी हमारा अच्छे से शोज आएंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छी सेलिब्रिटीज़ के साथ हम काम करेंगे। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सौरभ जी ने इनवाइट किया, थैंक्स टू सौरभ जी, एनिग्मा एंटरटेनमेंट एंड युवराज एंटरटेनमेंट हु मैनेज मी, सो आई एम रियली फीलिंग हैप्पी। शो तो बहुत अच्छा गया है एंड अमेजिंग शो, एक्चुअली इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैव गॉट द अवार्ड्स एंड दिस इज सो अमेजिंग, आई लव कमिंग हियर। हाँ, दिस वॉज अ अमेजिंग इवेंट और बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई हूँ सौरभ जी के इवेंट में, दिस अ ग्रेट इवेंट। आप तो एक बॉलीवुड एक्टर हैं। आप सॉरी, इसके बारे में आपकी वाइफ का नाम क्या है? पल्लवी। क्या है? एंड आई थिंक इट्स फर्स्ट। शी इज हैंडलिंग ऑल माय वर्क। ओके। शी इज MD। पल्लवी एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। वो है रिमी वाले मैटर में मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी कारण से मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, आप फेसबुक चेक कर सकते हैं, किसी कारण से रिमी जैन का कैंसिल हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा नेक्स्ट इवेंट है नीलम कोठारी के साथ 26 मई। थैंक यू सर।